आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की लोकेशन पता करना चाहते हैं तो अपने ही नंबर का आप यूज करके और सामने वाले की लोकेशन जान सकते हैं। किस तरीके से जान सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं। इसी के साथ में अगर आप किसी को कॉल लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं जो हमारा रियल नंबर है वो नहीं जाए, इसी के साथ में अगर आपको कोई ब्लॉक कर देता है तब भी आप यहाँ पर कॉल कर पाएंगे, तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले अगर आप किसी के पास कॉल लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं रिसेंटली में आपने कौन कौन सी कॉल लगाई हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ से यानी कि नंबर भी डायल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आप प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप प्रोफाइल पर यहाँ पर सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिचार्ज, अगर आप यहाँ पर रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर रिचार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेली के आपको इसमें क्वांस मिल जाते हैं, आपके सामने कुछ ऐड आ जाएगा तो आपको यहाँ से ऐड के लिए कट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो जो आपके क्वांस हैं, आपके जो क्वांस हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके 30 क्वांस हैं वो आपके क्वांस यहाँ जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ओके कर देंगे तब। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से लेटर पर सिंपली क्लिक कर देते हैं और जो क्वांस हैं वो हमारे ऊपर जाके जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में आपको यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर रिचार्ज करना नहीं चाहते हैं और आपके जो क्वाइंस हैं आपके हिसाब से कम पड़ जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिल रहा है वॉच वीडियो। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी 30 सेकंड की। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 30 सेकंड यहाँ पर चल रहे हैं और आप यहाँ पर कहने का मतलब है एक ऐड देख सकते हैं। ठीक है, और ऐड देखते ही आपके जो क्वाइंस हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप जितनी देर यहाँ पर बात करना चाहते हैं उतनी देर आप यहाँ पर यानी कि वीडियो देखकर और आप क्वाइंस इकट्ठे कर सकते हैं। तो ये एकदम बिल्कुल रियल एप्लीकेशन है। कहने का मतलब है अगर आप कोई भी एप्लीकेशन है बहुत सारी पर वो फेक होती हैं तो उनमें ना तो आपको वीडियो देखने का ऑप्शन मिलता है, आपसे बोला जाता है डायरेक्ट इसमें पैसे ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसमें पैसे डायरेक्ट ऐड करना नहीं है, आप यहाँ से इसे कट कर देंगे और जो आपके क्वाइंस हैं वो 10 क्वाइंस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से ओके कर दे सकते हैं और 90 क्वाइंस हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कहने का मतलब है क्वांस को इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर कीवर्ड पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से किसी का भी नंबर लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे पास अभी यहाँ पर फोन देख लेता हूँ है कि नहीं है। ठीक है, मेरे पास ये फ़ोन अभी चार्ज नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके जरूर दिखाता क्योंकि मैंने इसे यूज किया है। ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इन नंबर को मैंने लगाया है और मैंने खुद से ही इस चीज़ को यूज किया है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी कि आप किसी के भी पास नंबर लगाएंगे और आपका रियल नंबर नहीं जाएगा और आप मैसेज भी कर पाएंगे। बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी दूसरे की फ़ोन की लोकेशन पता करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको फ़ोन लेना है और आपको उस फोन में, ठीक है, आपको ये मैप वाला ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर ये मैप नाम का एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हालांकि ये हर फोन में होता ही है, तो आपको इसे सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको अपनी प्रोफाइल पर सिंपली क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मिल जाएगा लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन। ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर शेयरिंग लोकेशन, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आप यहां पर बढ़ा सकते हैं, जैसे कि कितने समय के लिए आप देखना चाहते हैं वो चीज़ आप यहां पर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो आप यहां से लिंक को शेयर कर देंगे यानी कि अपने मोबाइल नंबर पर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये फ़ोन जिसका भी है उससे आपको दे देना है और ये
आपने मैसेज किया है, मैसेज में जाके आप इस नंबर पे देखेंगे, ये नंबर आपका ही होना चाहिए, ठीक है, तभी आपके पास यानी कि लिंक में आपको लोकेशन जाएगी, ठीक है। और उस लोकेशन पे सिंपली क्लिक करके और आप इस मोबाइल की लोकेशन देख सकते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन की लोकेशन देख सकते हैं।